अगर आपका दिन शांति से शुरू हुआ है तो यह खबर आपके दिल को तोड़ देगी। हाथरस में एक भगदड़ में 116 लोगों की जान चली गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग में भगदड़ मचने से 116 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 106 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। स्थानीय गुरु भोले बाबा के सम्मान में आयोजित प्रार्थना सभा में हजारों की संख्या में लोग जमा हुए थे, तभी अचानक भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भगदड़ तब शुरू हुई जब भीड़ बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुरु की गाड़ी को पहले निकलने देने के लिए उन्हें रोक दिया गया। इससे एक सीमित जगह में लोगों की जानलेवा भीड़ जमा हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिल दहला देने वाले दृश्य सामने आए, जहां दुखी रिश्तेदारों ने कई शवों के बीच अपने प्रियजनों की पहचान की। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया है और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में इस हृदय विदारक हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच शुरू की है। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे सेफ।